तो फिल्म की शुरुआत होती है घने जंगल को दिखाने से, जहाँ पर गांव के कुछ लोग एक रिचुअल जादू की तैयारी कर रहे थे। ये टाइम 15 साल पहले का है, जहाँ पर ये लोग एक खतरनाक ताकत को खुश करने के लिए रिचुअल कर रहे हैं, क्योंकि वो ताकत, वो डीमन इनके गांव को मिटाना चाहती है। अब तभी वो ताकत चिल्लाने लगी, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई भेड़िया रो रहा हो। और फिर तभी रिचुअल करने वाले आदमी की तबीयत खराब हुई और वो नीचे गिर गया। हेर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये देखकर बाकी गाँव वाले काफी डर गए और यहाँ से भागने लगते हैं। दो आदमी जब नदी के पास गए तो वहाँ एक आदमी बैठा था। अब जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसका चेहरा काफी अजीब डरावना था, जो देखते ही देखते भेड़िए जैसा बन जाता है। अब तभी यहाँ जोरदार चीख की आवाज आई और ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आ जाता है एक होटल पर। असल में ये सारी कहानी वहाँ बैठा एक अंधा आदमी सुना रहा था, जिसे सुनकर एक बच्ची डर के रोने लगती है। ये देखकर होटल का वेटर अंधे आदमी को थप्पड़ मारकर डांट लगाता है कि पागल इंसान, इतनी रात को बच्चे को मत डराओ, बंद करो अपनी ये कहानी। जिस पर अंधा कहता है, ये कहानी नहीं सच है। बाहर बारिश तेज हो रही थी, जिस वजह से एक ड्रामा ग्रुप के लोग इस होटल में की थी, वो बच्ची और उसकी मोम भी। अब तभी यहाँ इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, क्योंकि उन्होंने जंगल से एक खतरनाक कातिल को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे भी वो अपने साथ लाए थे। इंस्पेक्टर सबको कहते हैं कि जब तक इस कातिल को इस होटल में रखा जाएगा, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। एक आदमी दूसरे को बताता है कि मैंने सुना है ये कातिल बहुत खतरनाक आदमी है, जादू भी करता है। अब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के अलावा बाकी सारे ऑफिसर्स होटल के बाहर चले जाते हैं सिक्योरिटी के लिए। इंस्पेक्टर सबको कहते हैं कि कातिल की मदद करने की कोशिश की तो इसके समेत तुम सबको भी उड़ा दूंगा, जो सुनकर सारे लोग घबरा गई कि बारिश से बचने की वजह से ये हम कहाँ फंस गए। अभी होटल बिल्कुल वैसी जगह पर था जैसी कहानी अंधा सुना रहा था, यानी झील के पास, और झील के उस पार गांव था। उसकी बात को नजरअंदाज करके ड्रामा ग्रुप के लोग बताते हैं कि हम उसी गांव में ड्रामा बनाने आए हैं। तब ड्रामा ग्रुप का हेड कहता है कि अंधे की बात काफी हद तक ठीक भी है। वहाँ को इंसान भेड़िया नहीं बना था, लेकिन एक आदमी रहा करता था जिसका नाम चेंग था। उसने एक औरत से शादी की थी जो चुड़ैल थी। ड्रामा ग्रुप का हेड कहानी सुनाने लगता है, जो उन 15 सालों के आगे की कहानी थी। गाँव में हम चेंग को देखते हैं, जो घर की चीजें बेचकर जुआ खेला करता था, लेकिन अक्सर हार जाता था। उसने गांव के अमीर खतरनाक आदमी से पैसे लिए हुए थे और अब पैसे ना लुटाने पर वो इसके जान लेने पर उतर आया था। तो अपनी जान बचाने के लिए चेंग उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, 2 दिन के अंदर आपके पैसे लुटा दूंगा। जिस पर वो खतरनाक आदमी हंसकर कहते हैं, ओह अच्छा, अब 2 दिन के अंदर ही ठीक है, लेकिन अगर 2 दिन के अंदर पैसे ना आए तो तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगा। अब तभी यहाँ होयोन नाम का लड़का आता है, जो अपने आखिरी पैसे लुटाने आया था। तभी एक आदमी चेंग को बताता है कि इसके ऊपर भी बहुत कर्ज था, लेकिन अब इसने सारा कर्ज भी उतार दिया और अब ये खूब मारा माल भी है। ये सुनकर चेंग को काफी हैरानी हुई कि ये तो मेरी तरह गरीब था, जुआ खेला करता था, तो फिर अचानक इसके पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया, सच का पता लगवाना पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो होयोन का पीछा करता है और देखता है कि वो एक कब्र को खोद रहा था। तब ठीक वक्त पर चेंग वहाँ आकर उसे रोककर कहता है कि अच्छा, तो तुम ऐसे मालामाल हुए, तुम कब्र के अंदर की लाशों का जेवर चुराते हो, जिसे बेचकर तुम अपना कर्ज उतारते हो। रुको जरा, मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। होयोन उसे रोकता है, कहता है रुक जाओ रुक जाओ, अरे मत करो यार। अच्छा सुन मेरी बात, अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा तो मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा और तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर लूंगा, बोल मंजूर है। अब जब चेंग ने हाँ बोला तो वो उसे गड्ढा खोदने का कहता है, जिसे खोद कर ये नीचे एक केव यानी गार में आ जाते हैं। अब चेंग ये जगह देखकर काफी हैरान था, लेकिन होयोन यहाँ के बारे में अच्छे से जानता था। यहाँ पर अजीब तरह की पीले रंग की जड़ें फैली हुई थी, जिनकी स्किन चिकनी लग रही थी। उन जड़ों में से एक काफी बड़े भेड़िए का सर बाहर आ रहा होता है, जिसका साइज बहुत बड़ा था और वह घुर्रा रहा था। उसे देखकर तो चेंग की हालत ही खराब हो गई, लेकिन होयोन उसे समझाता है कि घबराओ नहीं, मैंने एक आदमी की बातें सुन ली थी जिसके मुताबिक यहाँ हमें सोना मिलेगा। अब ये भेड़िए के पास बने ऊंची जगह पर खड़े हुए थे। भेड़िए के खाने के लिए होयोन अपने साथ एक जानवर की टांग को लाया था, जिसे वो जंजीर से बांधकर उसके मुंह के पास लेकर जाता है। मांस को सुनकर भेड़िया अपना मुंह खोलता है। होयोन ने उसके मुंह में जानवर की टांग डाली, लेकिन वो तो उसे जंजीर समेत ही निगलने लगा। अब होयोन जोर लगाकर जंजीर खींचता है, लेकिन भेड़िए ने वो अपने दांतों में दबा ली थी। ये देखकर चेंग जलती हुई लकड़ी यानी मशाल को भेड़िए के मुंह में लगाता है। अब उसे जैसी तकलीफ हुई उसने अपना मुंह खोल दिया और तब जंजीर के साथ जानवर की टांग भी बाहर आ जाती है, लेकिन उस पर बहुत सारा चमकदार लिक्विड लगा हुआ था, जो हैरानी वाली बात सोने का था। तब उसे उठाकर होयोन भागने लगा, जिसके पीछे पीछे चेंग भी भाग जाता है। लेकिन अब अचानक वहाँ जल रही सभी मशाले पीले से हरे रंग की हो जाती है, जिसे देखकर होयोन आंखें बंद कर लेता है और चेंग को भी कहते हैं कि जल्दी से आंखें बंद कर लो, हम केव से बाहर नहीं चले जाते, मत खोलना वरना वो पकड़ लेगी। अब चेंग ने आंखें बंद तो की हुई थी, लेकिन वो उसे पूछता है अरे बड़े कौन पकड़ लेगी, पर होयोन कुछ नहीं कहता क्योंकि वहाँ से भाग गया था। चेंग को अपने पीछे से आहट महसूस हुई, उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे हाथ लगाया तो पता चला कि ये तो एक लड़की की कमर है। इसलिए चेंग ने अपनी आंखें खोली, जहाँ उसके सामने खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदला और वो बन जाती है भेड़नी। अब पलक झपकते ही चेंग खुद को एक महल में पाता है, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स बैठे हुए थे, जिनके भी चेहरे भेड़िए जैसे थे। उनमें से एक कहता है कि सालों से हम सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन इसने आकर हमारा सुकून बर्बाद कर दिया, इजाजत दीजिए हम इसे मार देते हैं, जिस पर राजा मान जाते हैं। लेकिन यहाँ चेंग
उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, गलती हो गई। जिस पर मास्टर कहता है ठीक है, अगर जान प्यारी है तो तुम्हें हमारे खानदान की एक भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी। अब बचने का चैन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाता है और उस भेड़िए से शादी करके उसे अपने गाँव लेकर आ गया। लेकिन यहाँ उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उस वक्त वहाँ ड्रामा ग्रुप का हेड भी मौजूद था जो होटल में बैठकर सबको कहानी सुना रहा था। वो कहता है कि बाद में पता चला वो भेड़िए एक चुड़ैल थी जिससे चैन ने शादी की थी। अब ये सुनकर अंधा खुश हो जाता है कि चलो मेरी कहानी कुछ तो सच निकली और यहाँ ड्रामा ग्रुप के हेड की कहानी पूरी हुई। अब वो कत्ल बड़बड़ाने लगता है, कहता है कि अंधे और ड्रामा ग्रुप के हेड ने तो अपनी कहानी सुना ली, अब मेरी बारी है। मेरी कहानी से ही तुम शायद सच्चाई का पता लगवा सकते हो, जो कहकर वो कहानी सुनाने लगा। 15 साल पहले एक मिनिस्टर अपने मास्टर के साथ उसी भेड़िए गाँव की तरफ जा रही थी, लेकिन जब भी वहाँ पहुँची तो गाँव में कोई भी नहीं था। वहाँ रहने की अब सिर्फ दो ही जगह बची थी, एक होटल और एक छोटा सा घर। ये लोग अब होटल के अंदर जाने लगे, लेकिन तभी मास्टर को यहाँ किसी बुरी ताकत के होने का एहसास हुआ और वो वहाँ बंधी हुई भीड़ बकरियों को बड़े गौर से देखने लगते हैं। फिर जब भी अंदर आए तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे जो इनका वेलकम करते हैं। तभी होटल का मालिक इन लोगों के लिए पूरा बकरा पका कर लाया और ये और कोई नहीं बल्कि चैन था। लेकिन इसका चेहरा आम लोगों की तरह नहीं था बल्कि पीला पड़ा हुआ था। अब एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हम इतने बड़े बकरे के पैसे नहीं दे पाएंगे, जिस पर चैन कहता है कि उतने पैसे मांग भी कौन रहा है, आप बस पकाने के पैसे दे दे मुझे और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। जो सुनकर सभी काफी खुश हो गयी कि मजे से खाएंगे बकरा, वो भी कम पैसों में। अब चैन इन्हें यहाँ खास किस्म का दूध भी पीने को देता है। मास्टर पूछते हैं कि गांव वाले नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए सब लोग, जिस पर चैन बताता है वो दरअसल हमारे गांव में खतरनाक बीमारी आ गई थी तो सब लोग गांव को छोड़कर दूर कहीं जाकर रहने लगे। अब यहाँ सिर्फ मैं, मेरी वाइफ और बेटा रहते हैं, वजह से बकरा खाने लगे। लेकिन यहाँ मास्टर न खुद खाने को हाथ लगाते हैं और न ही अपने मिनिस्टर को खाने देते हैं, बल्कि दोनों उठकर बाहर आ गयी। यह मिनिस्टर उनसे पूछता है कि मास्टर जी जोरों की भूख लगी हुई है, आप मुझे खाना खाने क्यों नहीं दे रहे भाई। मास्टर जवाब देते हैं कि तुम अपना चेहरे वाला कवर पहन के अंदर और आसपास देख लो, सब पता चल जाएगा। तब मिनिस्टर खिड़की से अंदर देखता है तो सब नॉर्मल ही लग रहा था, यानी सब लोग बकरा खा रही थी। लेकिन जब उसने कवर पहन के देखा तो असलियत को देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल वो लोग जो खा रही थी वो बकरा नहीं बल्कि इंसान का गोश्त है। वो फिर कवर से बाहर देखता है जहाँ भेड़ बकरियाँ बंधी हुई थी, लेकिन हैरत, वो भी भेड़ बकरियाँ नहीं बल्कि इंसान थे जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पर बांधा हुआ था। मास्टर उसे बताते हैं कि यहाँ खतरनाक ताकत है जिनसे हमें इस गांव और इसके लोगों को बचाना है। ये कहकर मास्टर कुछ मंत्र पढ़ के एक तलवार पर फूंक मारते हैं और उसे वो मिनिस्टर को दे देते हैं, ये कहकर कि यहाँ जो खतरा है वो एक डीमन है जो इंसानों का गोश्त खाता है, क्योंकि उससे ही वो ताकतवर बनता है और आज हम उसका खात्मा कर देंगे। मास्टर की बात जैसे ही पूरी हुई, मिनिस्टर को अपने पीछे आहट महसूस हुई, इसलिए उसने झट से तलवार ली और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन फिर एकदम वो रुक गया क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था जो अंदर बैठकर खाना खा रहा था। मास्टर कहते हैं कि इसने होटल का वो खास किस्म का दूध नहीं पिया होगा, जो सुनकर ऑफिसर काफी चौंक गया कि आपको कैसे पता चला। तो मास्टर उसे भी चेहरे वाला कवर पहनाकर सच्चाई दिखाते हैं। जी हाँ, गांव के लोग आम आंख से तो भेड़ ही लग रही थी, लेकिन असल में इंसान है जिन्हें टांग से पकड़कर चैंग खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। मास्टर बताते हैं कि चैंग असली डीमन नहीं है, ये तो बस उसका गुलाम है और अब हमें असली डीमन को ढूंढना है। इसलिए तीनों उस घर में पहुंचकर हर जगह की तलाशी लेती है, जिसके बाद ये बेसमेंट में आ गई जहां सामने चैंग का बेटा खड़ा हुआ था। वो इनको देखते ही कुछ मंत्र बोलकर अपना मुंह खोलता है और खतरनाक धुआं निकालकर इनकी तरफ भेजता है, जिसे देखकर मास्टर घबराती नहीं बल्कि अपने जादू से ही फांसी शील्ड बनाकर उसके हर हमले का डटकर सामना करती है, जिसके बाद चैन का बेटा पुतला बन जाता है और ये लोग उसे पार करके एक कमरे में आ गई जहाँ पर खून, मांस और ऐसे कटे हुए हिस्से पड़े थे। एक जगह पर चैन भी खड़ा था जिसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। पुलिस ऑफिसर उस पर गुस्सा करता है कि तुमने गांव के सभी लोगों को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। अब अचानक चैन औरत की आवाज में बात करने लगता है, जिससे मास्टर समझ जाते हैं कि वो डीमन और कहीं नहीं बल्कि चैन के अंदर है। जो सुनकर ऑफिसर चैन के माथे पर गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर देता है और कहता है कि अगर इसके अंदर डीमन है तो क्या हुआ, पुलिस तो डीमन से भी नहीं डरती। लेकिन एकदम चैन उठा और ऑफिसर के माथे में वो चाकू घुसा देता है और मुंह से बहुत सारा काले रंग का लिक्विड निकालता है और लिक्विड से एक रोह बनकर खड़ा हो जाता है। इसे देखकर मास्टर समझ गई कि यही डीमन है, इसलिए वो जैसे इन पर वार करने आया मास्टर उससे लड़ने लगी, पर यहाँ मिनिस्टर नहीं लड़ पाता क्योंकि डीमन ने उसे उठाकर फेंक दिया था। तब उसकी जान बचाने के लिए वो मिनिस्टर को बाहर कर देते हैं और खुद अकेले ही डीमन से लड़ने लगे और अब यहाँ मास्टर और डीमन के बीच खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। जैसे डीमन अपनी खतरनाक ताकतों के साथ हमला करने आता है, मास्टर आसानी से उसके हमले को रोककर उसे दीवार के साथ दे मारते हैं। थोड़ी देर इनकी लड़ाई ऐसी चलती रही, जिसके बाद जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और मास्टर बाहर आकर गिरते हैं। मिनिस्टर की गोद में मास्टर की हालत बहुत खराब थी, उन्हें ऐसे देखकर मिनिस्टर को बहुत दुख होता है। मास्टर उसे बताते हैं कि उस डीमन की 5 स्किन्स यानी जिल्द है, जिनमें से मैं सिर्फ 3 को ही तबाह कर पाया हूँ, बस 2 रह गई है, लेकिन उन स्किन्स को भी ठीक होने में 5 साल लग जाएंगे। फिलहाल तो डीमन भाग गया है, लेकिन 15 साल बाद वापिस लौट
टूटेगा तब तुम्हें उसे लड़कर उसका खात्मा करना होगा। इसलिए जो मंत्र और रिचुअल मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर लेना, वही काम आएंगे। इतना कहकर मास्टर उसके हाथों में ही अपनी जान दे देते हैं और मिनिस्टर उन्हें गोद में लेकर फोट फोट कर रोने लगता है। सीन वापिस से कातिल पर आ गया जो कहानी सुना रहा था। पता चला कि वो मिनिस्टर और कोई नहीं बल्कि ये कातिल ही है जो चिल्ला कर कहता है कि मैं 15 सालों से आज के दिन का ही इंतजार कर रहा था क्योंकि वो डीमन जो दरअसल भेड़ने डीमन है वो आज ही के दिन आएगी। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम भला तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें। कातिल जवाब में कहता है क्योंकि उससे सिर्फ मैं ही लड़ सकता हूँ। अब अचानक बिजली गिरी जिसके साथ ही भेड़िए की रोने की डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती है। साथ साथ कुछ मंत्र भी सुनाई दे रही थी जो आवाजें सामने पड़े स्टैचू में से आ रही थी। कातिल कहते हैं मेरी हथकड़ियाँ खोल दो मुझे उससे लड़ना है। अब इंस्पेक्टर को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगा था इसलिए वो हथकड़ियों को खोलने लगता है। पर तभी वो औरत रोती है और चिल्ला कर कहती है रुक जाओ मत खोलो उसे वो झूठ बोल रहा है। गुस्से में कातिल कहते हैं मत सुनो इसकी बात क्योंकि यही वो डीमन वो भेड़ नहीं है। ये सुनकर पुलिस वाले उस पर गन तान देते हैं तो यहाँ वो अब अपनी कहानी बताने लगती है। कहती है कि हमारे गांव का बहुत बुरा हाल था। इतनी गुर्बत थी कि ना तो खाने को कुछ था और ना ही पीने को जिस वजह से लोग मर भी रहे थे। तब गांव की ऐसी हालत देखकर बड़े लोगों ने फैसला किया कि हम कुछ मास्टर से यहां पर रिचुअल करवा लेते हैं ताकि गांव के अंदर अगर कोई बुरी चीज हो तो वो भाग जाए और यहां के हालात अच्छे हो जाएं। उन मास्टर्स में से एक ये कातिल था और जिस चैंग की बात कर रहा है वो हमारे ही गाँव का था लेकिन न तो वो गरीब था और न ही जवारी ये कोई बुरा इंसान बल्कि वो तो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। उसने गाँव के सभी लोगों की मदद की भुखमरी की हालत में लोगों को खाने के लिए अनाज दिया। मैं उसे अच्छा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने मेरी भी मदद की थी। एक दिन जब वो अनाज बांट रहा था तो हुयुन रोता हुआ उसके पास आया कहने लगा कि प्लीज मेरी मदद करो मेरी माँ बीमार है उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। ये सुनकर चैंग के भाई ने कहा भाई इसे अनाज दे दो लेकिन एक रुपया भी मत देना आपको नहीं पता एक नंबर का जवारी इंसान है। इस पर चैंग कहते हैं नहीं मेरे भाई भला माँ के नाम पर झूठ कौन बोल सकता है जो कहकर उसने बहुत सारे पैसे हुयुन को दे दिए। औरत रोते हुए कहती है कि वो तो सबके साथ इतना अच्छा था लेकिन ये कातिल तो बहुत बुरा मास्टर था इसने चैंग के साथ अच्छा नहीं किया। अब ये सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग सोच भी पड़ जाते हैं कि इनमें से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ हमें किसकी बात का यकीन करना चाहिए। अब तभी बाहर से भेड़िए की आवाज़ आई जिसके साथ ही गाने की आवाज़ भी आने लगती है। इंस्पेक्टर जल्दी से बाहर आया और अपने लोगों से पूछता है तुम में से किसी ने गाना गाया। इस पर वो कहती है नहीं तो अब इंस्पेक्टर को डर महसूस होने लगा इसलिए वो औरत पर गन तान कर कहती है कि तुम हो वो डीमन। वो रोते हुए बोली नहीं नहीं मैं डीमन वीमन नहीं हूँ मुझे कुछ मत करना और कातिल को तो बिल्कुल न खोलना। अब तभी कांस्टेबल उसे हथकड़ी पहनाने जाता है लेकिन तभी उसे कुछ होने लगा और वो नीचे गिर गया। अब कातिल सबको बताता है देख लिया आपने यही है डीमन और अभी सब लोगों को मार देगी। इस पर फिर से रोते हुए बोले नहीं नहीं मैं डीमन नहीं हूँ। अब तभी इंस्पेक्टर को पता नहीं क्या हुआ वो कातिल की जंजीर खोल देता है और अपनी गन उठाकर पुलिस ऑफिसर्स को शूट कर करके मारता है। कांस्टेबल इसे दौरा पड़ा था वो भी गन लेकर अपने साथियों को शूट करने लगता है। ये देखकर बाकी लोगों के तो होश ही उड़ गए। अब यहाँ इंस्पेक्टर और कातिल मिलकर एक पुलिस ऑफिसर को डांटते हैं जो मरने वाला था उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारा प्लान मान लेना चाहिए था। ये कहकर इंस्पेक्टर यहाँ एक राज खोलता है उस वक्त का जब इंस्पेक्टर और वो ऑफिसर्स कातिल को पकड़ कर ले जा रहे थे। कातिल से बात करता है कि मैं करूंगा डील तुम्हारे साथ तुम हम सबको जितने पैसे देना चाहते हो वो सारे तुम मुझे दे दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उनकी डील पक्की हुई जिसके मुताबिक ही इंस्पेक्टर कातिल को होटल में लाया था। यहाँ इंस्पेक्टर कातिल और जिसे दौरा पड़ा था वो कांस्टेबल आपस में मिले हुए थे जो होटल के बाकी लोगों को भी शूट कर देती है ड्रामा ग्रुप के लोगों को भी और औरत को भी सबको सिर्फ अंधे आदमी और बच्चे को ये कुछ नहीं करते। अब कातिल अंधे आदमी के पास आकर कान में कहता है कि वो भेड़नी डीमन आई और उसने यहाँ सब लोगों को खत्म कर दिया अब सिर्फ हम लोग यहाँ बचे हैं। इस पर अंधा दोबारा से वही बात करने लगा कि मैंने तो पहले ही सबको वार्न किया था पर किसी ने मेरी सुनी ही नहीं तो अभी यहाँ पता चला कि यहाँ कोई डीमन भूत वूत नहीं है बल्कि ये सब कातिल की फैलाई हुई अफवाहें हैं। अब कातिल उस औरत के पास गया जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो रोते रोते याद करने लगती है कि आखिर हुआ क्या था। चैंगुन गाँव वालों को अनाज वगैरह देकर उनकी बहुत मदद कर रहा था अगर किसी को जरूरत होती तो वो पैसे भी दे दिया करता था पर ऐसे भले इंसान के साथ अच्छा करने की बजाय उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय गाँव वाले उसका नाजायज फायदा उठाने लगे। वो लोग काम काज छोड़कर आलसी बन गए थे। अब यहाँ एक जवारी को गांव का अमीर आदमी पीट रहा था जो जवारी और कोई नहीं बल्कि वो कातिल ही था। उसने अमीर आदमी से कर्जा लिया हुआ था। वो कातिल को कहता है कि बच्चू अगर 5 दिन में पैसे वापस ना लौटाए तो मौत दूंगा मौत समझ आए। ये सुनकर हुयुन कातिल की मदद करने आगे बढ़ा। कातिल को कहते हैं कि चलो चैन के पास चलते हैं वो बेवकूफ है कोई बहाना बनाकर उससे पैसे ले लेती है। पर जब ये वहाँ गए तो वहाँ चैन नहीं बल्कि उसका भाई था जिन्हें धक्के मारकर भेज देता है क्योंकि वो जानता था कि मेरे भाई की रहम दिली का नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग। अब हालांकि चैन सबके साथ इतना अच्छा था
लेकिन फिर भी गांव वाले उससे और उसकी फैमिली से चिढ़ खाने लगे थे और आज रात तो ये उसके बारे में अजीबोगरीब बातें बनाने लगते हैं कि चैंग के पास इतना पैसा कहां से आया और सुना है जब से उसकी शादी हुई वो तब से अमीर हुआ है। उसकी वाइफ भी बहुत खूबसूरत है। होयुन और कातिल एक प्लान बनाते हैं। वो अगले ही दिन बेहोशी की दवाई खरीद कर चैंग के घर आए और यहाँ काम करने वाली लड़की से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि हमारा एक काम कर दो जिसका इनाम भी हम तुम्हें देंगे, तुम बस ये दवा चैंग की वाइफ और उसके बेटे के खाने में मिला देना। अब ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही औरत है जो जख्मी हालत में अपना ये वक्त याद कर रही है। अब उसे बहुत डर लग रहा था इसीलिए वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, लेकिन होयुन जानता था कि ये दिल ही दिल में चैंग से प्यार करती है इसीलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा कर दोगी तो उसकी वाइफ से तुम्हारी जान छूट जाएगी और फिर चैंग तुम्हारा होगा बस तुम्हारा। ये सुनकर वो बहक गई और उनका काम करने को तैयार हो जाती है। बस ये छोटी सी गलती उसकी बहुत बड़ी भूल थी। अब अपनी इस गलती का एहसास करते ही वो अपना दम तोड़ देती है। अपनी माँ को मरता हुआ देखकर बच्ची रोने लगती है। बच्ची को कातिल मारना चाहता था लेकिन इंस्पेक्टर रोक देता है ये कहकर कि अगर ये किसी को कुछ बताएगी भी तो कोई इसका यकीन नहीं करेगा क्योंकि जाहिर है ये बच्ची है। अब इंस्पेक्टर अंधे को गोली मारने जाता है जहाँ इस बार कातिल उसे मना कर देता है। कहता है कि अगर ये मर गया तो डेमन की मनगढ़ंत कहानियाँ हर जगह कौन फैलाएगा क्योंकि इसकी ऐसी कहानियों की वजह से हम बच सकते हैं। गाँव वालों का शक हम पर नहीं जाएगा बल्कि कहानी वाले डेमन भेड़ने पर जाएगा वरना ऐसे तो हम फंस जाएंगे। इतनी ही देर में कश्ती भी आ गई इन्हें लेने के लिए। कश्ती में बैठकर जब लोग जा रही थी तो इंस्पेक्टर कातिल से पूछता है कि 15 साल पहले तुमने इतना बड़ा काम किया तो ये बताओ कि तुमने चैंग की वाइफ और उसके बच्चे के साथ क्या किया था। तब कातिल आगे की बात बताता है कि उसकी वाइफ और बच्चे को बेहोश करने के बाद हमने उन्हें अगवा किया और उन्हें अपने साथ जंगल में ले गए। हम इन दोनों को वापस लौटाने के बदले चैंग से भारी कीमत मांगना चाहते थे और यही हमारा प्लान था, लेकिन रास्ते में होयुन उसकी वाइफ के साथ गलत करने की कोशिश करने लगा पर ठीक वक्त पर उसकी वाइफ को होश आ गई। उसने होयुन को जोरदार टांग मारी और अपने बच्चे को लेकर वो यहाँ से भागने लगी। तब होयुन भी उनका पीछा करने लगा। उधर जब चैंग को पता चला कि मेरी वाइफ और बच्चा लापता है तो उसे लगा कि शायद शिकारियों का ग्रुप उन्हें उठाकर ले गया है, इसलिए वो बेचारा घर घर जाकर लोगों से मदद मांगने लगा। उनसे मिन्नतें करता है कि प्लीज मेरे साथ चलो और मेरी वाइफ और बच्चे को बचा लो, लेकिन कोई भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं था। ये देखकर उसका भाई गुस्से में कहता है कि किन बुजुर्ग लोगों से मदद मांग रहे हो, चलो हम खुद ही चलते हैं। पर यहाँ 4-5 अच्छे लोग थे जिनकी मदद को तैयार हुई और अभी सब जंगल की तरफ चले जाते हैं और अलग अलग होकर चैंग की वाइफ और बेटे को ढूंढने लगे। उधर वो दोनों भागते भागते गिर जाते हैं। तब होयुन आकर उसकी वाइफ का गला पकड़कर मारने की कोशिश करता है। कातिल होयुन को वो समझाता है कि प्लीज उसे मत मारना, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, लेकिन वो रुकता नहीं, उसका गला घोटता रहता है। चैंग की वाइफ चिल्लाती है जो आवाज चैंग के भाई ने सुन ली थी, इसलिए वो जल्दी से यहाँ आकर होयुन को पीटने लगा, लेकिन यहाँ वो दोनों ही मिलकर चैंग के भाई को पीट के रख देती है जिसपे चैंग की वाइफ भी मारी जाती है और इसी के साथ वहाँ से भेड़े की आवाज आना शुरू हो जाती है। इस वक्त जंगल में गाँव के लोग रिचुअल कर रहे थे और ये शुरुआत वाला सीन है जहाँ भेड़े की आवाज सुनकर ये लोग डर की वजह से भागने लगे। अब इनमें से दो लोग कातिल और होयुन को देख लेते हैं कि इन्होंने चैंग की वाइफ का भी खून कर दिया है और चैंग की भाई को भी काफी बुरी तरह मारा है। दोनों भी काफी डर गई, हाथ ऊपर करके वहीं खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ शिकारियों का ग्रुप भी आ गया जिनका सरदार होयुन के सर पर गन रख देता है। अब यहाँ होयुन उसे भी कहता है कि हमारे साथ एक डील कर लो, तुम चैंग को कुछ मत बताना लेकिन हम उसे बहुत सारे पैसे मांगेंगे। अब यहाँ सरदार जानता था कि चैंग बहुत रहमदिल इंसान है, बहुत अच्छा है, इसलिए वो उसका साथ देने से मना कर देता है। अब तभी चैंग का बेटा होयुन की बाजू पर काट लेता है। होयुन बच्चे को उठाकर दूर फेंक के मारता है जिससे बच्चे की भी मौत हो जाती है। अब ये देखकर चैंग का भाई आग बबोला हो गया, इसलिए वो होयुन को लेकर नीचे खाई में कूद जाता है और अब सिर्फ कातिल ही जिंदा बचा था। वो सरदार को कहता है कि अब मुझे चैंग जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो, लेकिन सरदार उसे बुजुर्ग कहकर वहाँ से जाने लगता है। तब कातिल उसकी गन छीनकर एक आदमी को शूट कर देता है और कहता है क्या कहा बुजुर्ग, देख लिया ना मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, लेकिन सरदार उसे नजरअंदाज करके अपने ग्रुप को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब रिचुअल वाले दोनों आदमी में से एक ही बचा था, इसलिए कातिल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम गांव वालों को कहोगी कि चैंग की वाइफ उसके बेटे और भाई को डीमन भेड़ने ने मारा है, अगर मेरा नाम लिया ना तो तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। और अब ये बात सामने है कि इसी आदमी ने ही हर जगह ये अफवाह फैलाई थी कि भेड़ ने डीमन ने ही सबको मारा है, उसी की कहानी को अंधा आदमी हर किसी को बताया करता था। और अब कातिल शिकारियों के सरदार को भी मार देता है और उसकी जगह खुद सरदार बन जाता है। यहाँ कातिल की बात पूरी हुई, सारी बात सुनकर इंस्पेक्टर उसकी तारीफ करता है कि वाह भाई वाह प्लान हो तो ऐसा, जिस पर कातिल कहता है फिर भी मेरा प्लान फेल हो सकता था, अफवाह झूठी साबित हो सकती थी, लेकिन ये जो आपके कांस्टेबल ने नकली भेड़नी बनकर जो एक्टिंग की क्या बात है, इसने पहले आवाज निकाली फिर गाना गाया, सच में दाद देनी पड़ेगी इसकी एक्टिंग को। जो सुनकर कांस्टेबल हैरत से पूछता है किसने, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये सुनकर इंस्पेक्टर और कातिल दोनों हैरान रह जाते हैं कि अगर इसने नहीं तो फिर गाना किसने गाया था। वो ये सोच रहे थे कि तभी गाने की दोबारा से आवाज आने लगती है और वो भी कहीं दूर से नहीं बल्कि इसी कश्ती में से आ रही थी। अभी जब वहाँ खड़े लड़के को देखते हैं जिसने टोपी पहनी हुई थी, वो अपनी टोपी हटाता है जो और कोई नहीं बल्कि चैन का भाई था। जी हाँ, वो खाई में गिरा तो था लेकिन मरा नहीं था
बेचारा बच गया था जो 15 सालों से कातिल को ढूंढ रहा था और आज वो इसके हाथ लग ही गया। होटल के बाहर भी डरावना गाना यही गाना था। उसने इस कश्ती में बॉम्ब लगाया हुआ था जिनको फोड़ते ही वो पानी में कूद जाता है। कश्ती में बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो तीनों बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं। अगले सीन में हम चैंग की भाई को अपने गाँव में देखते हैं। चैंग की भाई को एक लड़की अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस कहानी की तरह अफवाह पर यकीन करने से बचें और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।